हाथों से 2 घंटे की मेहनत। अरे किसके लिए? ये है क्या चीज? केक। इसको देखो, इसके लिए चलो 2 घंटे की पूरी मेहनत और 1.5 लीटर पसीना इसमें क्या है? नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन? दिस इज विशाल द विन। और सबसे बड़ी न्यूज़ आज मैं व्लॉग की शुरुआत में आप सभी लोगों को देने जा रहा हूँ, और ये न्यूज़ कुछ ऐसी है। मुझे ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। चाह तो नहीं रहना, वरना पता चला बहुत ही बड़े दिन के चक्कर में ही कोई ठोक के निकल गया और भी बड़ा दिन बन गया। तो देखो, ऐसा है कि आज वो दिन है जिस दिन मैंने डेली व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने डेली व्लॉगिंग की शुरुआत की, मतलब पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। हमने 365 नॉन स्टॉप व्लॉगिंग की है। इजंट इट अमेजिंग? जब मैंने शुरू किया था ना, तब मैंने ये नहीं सोचा था, बस एक कमिटमेंट था अंदर कि मेरे को डेली व्लॉग करना है, डेली व्लॉग करना है। लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे 365 कंप्लीट हो जाएंगे, वो बिना किसी ब्रेक के। और आज वो दिन है जब हमारे 365 डेज 365 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए हैं, और विशाल दवे के नाम पे एक नया रिकॉर्ड बन चुका है जो कि इंडिया में बहुत ही कम व्लॉगर्स के नाम पे है। चलिए गाइस, सबसे पहले तो वो क्लिप देख लेते हैं जो कि मैंने 1 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्ड की थी, जब मैंने ये 365 वाला शुरू किया था, एक कमिटमेंट लिया था। और उस व्लॉग की क्लिप अपन थोड़ी सी देख लेते हैं और फिर 1 साल बाद 365 डेज में इस क्लिप को देखते हैं। ये तो कार्तिक सिंह जा रहे हैं। कार्तिक पार्टी दे रहा है ये। नहीं चलता है, गलत बात। मैं पी नहीं। विशाल दवे के होते हुए अगर हमें खिलाना पड़े तो धिक्कार है हम पे। देखिए बलात्कार किया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन? दिस इज विशाल दवे। तो अभी 9 बजे अभी मैं उठा हूँ। आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, फ्रेश भी नहीं हूँ। अभी उठा, जैसे मैंने ब्रश व्रश किया और आप सभी लोगों से बात करने के लिए आ गया। रात को एक्चुअली मैं लेट सोया था, लेट सोया ना, इसलिए आज लेट उठा, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा था। एंड देन टीन वुल्फ करके सीरीज है, वो सीरीज को मैं खत्म कर। सो गाइस, देख ली आपने वो क्लिप जो कि मैंने 1 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्ड की थी, और अब ये जो क्लिप है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 अक्टूबर 2022। ये जर्नी और भी ज़्यादा आगे जाएगी, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हमें बनाने के हैं। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इस तरह सपोर्ट करते रहो, वीडियोस को देखते रहो, व्लॉग्स को लाइक करते रहो। तो गाइस, बहुत टाइम से अपने रूम में बैठा हुआ था, अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 6 और हम लोग आ गए यहाँ पर चाय पीने के लिए। देखो, आराम से बैठ भी गया। पता नहीं आज ये लोग कुछ अमेजिंग सा कुछ प्लान कर रहे हैं। मेरे को हिंट से पता चला है, जिस तरीके से जिग्नेश बिहेव कर रहा है और बाकी सब लोग बिहेव कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा हिंट से पता चल रहा है कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। अभी क्या प्लान कर रहे हैं ये मेरे को नहीं पता है। जो भी प्लान कर रहे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही लोगों तक तो पहुंचना है गाइस। हमारी चाय आ चुकी है। जिग्नेश बात देख रहे हो, बात करते करते जिग्नेश ने चाय भी खत्म कर दी। तेरे को शर्म आती? शर्म थोड़ी मतलब थोड़ी सी भी शर्म आती? ये देखो मेरी चाय वहाँ के वहाँ पड़ी हुई है, ऐसी कैसी भरी के भरी रखी हुई है। लेकिन ये भाई साहब की चाय खत्म हो गई। अबे चेहरा मत छुपा, इतना नूर का परा हुस्न का है। चलो फिलहाल अपन चाय को खत्म करते हैं। ये देखो चुम्मिया दे रहा है। किसको दे दिया? तो चाय पीने के बाद अभी हम आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, और ये है समोसा जो मैं खा रहा हूँ। भाई साहब बहुत तेज भूख लगी थी, सुबह से सिर्फ मैगी खाई थी। A few moments later. So guys, कुर्ता उर्ता पहन के अपन एकदम रेडी हो चुके हैं, और कुर्ता हमने इसलिए पहना है क्योंकि अभी बचे हैं लगभग शाम के 8, और अब अपन जा रहे हैं शहीद जी के घर पे, क्योंकि वहां पर है गरबा का सेलिब्रेशन। वैसे तो रोज ही होता है, लेकिन आज सैटरडे है तो आज पूरा का पूरा हमारा फ्रेंड सर्कल वहां पर मिलने वाला है, और हम सबके सब मिल के साथ में फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं करेंगे तो किसके साथ एंजॉय करेंगे। जल्दी से अपन को आना भी पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग भी तो करनी है ना बॉस, वो भी तो जिम्मेदारी है ना बॉस। मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना? अच्छा दिख रहा हूँ तो कॉमेंट सेक्शन आप ही का है, आप कॉमेंट करो। शैली जी के घर पे, और ये बंदा कौन है जो सामने बैठा है? अरे ओ इधर इधर इधर, क्या बदल गया तेरा? नहीं, किसने क्या बदला तेरा? तू इतना दर्द में भाई, दर्द में तो मेरे को होना चाहिए। यहाँ पर झगड़ा हुआ है, यहाँ पर इंटरनेशनल भाभी, इसको कैसे पता चल गया? वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तेरे को कैसे पता चल गया? नहीं, किसने बताया तेरे को? कोई खबरी है, मैं सच बता रहा हूँ। कार्तिक सिर्फ कार्तिक नहीं, कार्तिक एक खबरी है जो
और यू आर वन ऑफ द सोर्स फॉर समवन एल्स। मैं समझ गया समझ गया। तुम्हारा इंस्टाग्राम को खंगाला है तब मैं चीज पता चली है। खंगाला है या हैक किया है? आज बता दो, आज बता दो कि द विशाल तुम्हे इंस्टाग्राम को क्या हुआ था, आज बता दो। कहीं इसके पीछे ये आदमी तो नहीं जिस आदमी की शक्ल मैं रोज अपने व्लॉग्स में दिखाता हूँ, कहीं यही आदमी तो मेरे द विशाल तुम्हे इंस्टाग्राम आईडी के खत्म होने का राज नहीं? आज खुलासा होगा, आज खुलासा और तू ही करेगा। तो आज पता चलेगा कि क्यों आखिर विशाल दवे की इंस्टाग्राम आईडी इतना पास से मज्जा ना। विशाल दवे को बहुत सी लड़कियों के डीएम्स आते थे, रिक्वेस्ट आती थी। तो एक खुफिया सोर्स ने, हमारी इंटरनेशनल भाभी ने, अब कुछ ऐसा हाईजैक किया इसके इंस्टाग्राम को और उन सारी डीएम्स के ऊपर रिपोर्ट मरवा के वो ब्लॉक करवा दिया और एक अलग आईडी। क्या बात, वहां पे अगर कोई भी लड़की कोई भी क्यूट सा डीएम भेजेगी तो डीएम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्यों? अगर हमारी इंटरनेशनल भाभी ने ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप विशाल दवे को भेज सकते हैं क्यूट क्यूट डीएम, अगर उसका रिप्लाई विशाल दवे करता है मतलब हमारी इंटरनेशनल भाभी हमको बना रही। लेकिन इंटरनेशनल भाभी है कौन मेरे को तो बता। अरे 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 तेरे इरादे मेरे को सही नहीं लग रहे, इस लड़के के इरादे मेरे को सही नहीं लग रहे। तू कैसी आंखें बना रहा, तू दूर रह मेरे से, दूर रह, दूर है, पास पास मत आइयो, पास पास मत आइयो, तू दूर रह, उधर 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 ही खड़ा रह, उधर उधर ही हिलाइयो मत, पैर मत हिला, पैर मत हिला। या तो तू किसी का सोर्स है, तू सच बता, तेरे अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वो है भाभी का खौफ, वो भी इंटरनेशनल। देख मैं तेरे को सच बता, अभी अभी मैंने एक के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी जो अंदर तैयार हो रही, तू अपने अंदर भी मत दिखा। ऐसी एक्टिविटी ना, उसको देख के पैरानॉर्मल भी नॉर्मल हो जाता है। मजा आ गया, ये जोक जाएगा वायरल। सो गाइस अभी ये लोग कुछ प्लान किए हैं और अभी ये लोग कुछ एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने प्लान को। मेरे को नहीं पता है जेन्युइनली कि इनका प्लान क्या है, बट इस वजह से मेरे को इस चेयर से उठने के लिए सबने मना किया है और अब मैं इस चेयर से नहीं उठूंगा क्योंकि ये लोग, अगर मैं यहाँ से उठाना तो ये लोग मेरी तशरीफ भी तोड़ सकते हैं, इनके पास इतनी ताकत है, समझ रहे हो, घसीट घसीट के मारा जाएगा मुझे। और दुख बस इस चीज का है कि जिग्नेश भाई अभी यहाँ पर नहीं है, उनको एक अर्जेंट काम आया, एकदम ज्यादा अर्जेंट वाला, जिस वजह से उनको जाना पड़ा। अभी वो लोग खटखट कर रहे हैं, भाई मेरे को डर लग रहा है, पिछली बार चोलो चिप्चे खिलाया था, इस बार पता नहीं भाई क्या होगा ये? बस अभी हो गए, आंखें बंद है। ये हमने अपने हाथों से 2 घंटे की मेहनत में खुद केक बनाई है। अरे किसके लिए? वो अभी हेमल अंकल आएंगे ना उनके लिए। किसके लिए हो सकता है ये? नहीं मेरे लिए, मेरे लिए, समझ गया, हाँ मेरे लिए है। और क्यों है? मैंने इस लड़के को सुबह से विश नहीं किया, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है, मैंने विश नहीं किया, इसीलिए मैंने विश नहीं किया क्योंकि मैं इसमें थी, किसी थी। ये चीज मैं बोलने वाला था, इसमें मैं थी, लेकिन मैंने इतना अच्छा खासा मैसेज डाला। चलो बैठो, क्यों बोल के बैठो? और ये है क्या चीज? केक। इसके लिए चलो चुपी मैं इंसान को कोई चीज अगर हम गिफ्ट कर रहे, सरप्राइज दे रहे तो उसको खुशी होनी चाहिए, इस भोंतू को मजाक उड़ाना चाहिए। मेहनत देखना कितनी लगी है इसके व्लॉग में। केक ऐसा, उसमें केक है, केक है, नहीं मैं मजाक कर रहा था। कार्तिक किससे? कैसा दोस्त है ये? दोस्तों के एफर्ट्स नहीं देख रहा, दोस्ती है। नहीं नहीं नहीं, क्या एफर्ट? देखो 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 नाखून के निशान के, क्या एफर्ट? वो नाखून नहीं है, वो चाकू ऐसे टेस्ट किया गया था। हमारे हमारे पास सॉन्ग भी रेडी है, तो जल्दी काट। सॉन्ग भी रेडी करके रखो, परफॉर्म करेंगे। अरे यार घर पे बनाया, मैंने खुद बनाया, बहुत अच्छा। तू दोस्ती, तू दोस्तों का एफर्ट्स प्यार नहीं देख रहा। कट, टेक टू, डायलॉग अच्छे से नहीं आया, फिर से बोले। 2 घंटे की पूरी मेहनत, थैंक यू सो मच। और 1.5 लीटर पसीना, दोनों की, दोनों की। इसमें गिरा है? तो कहीं तो गिरा है, इसमें नहीं गिरा। अच्छा तो कहाँ गिरा? बना देना। 1 2 3 स्टार्ट। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, we wish you a happy 1 year. Hey, congratulations and celebrate. तो क्या था इसका? टूटा ना, हाँ टूटा तो सही। नहीं खा भी सकते आराम। हाँ विशाल दवे, कितने दांत बचे आपके? वो साइड का नहीं खाना होता है, उसको छोड़ दे। सर आप ही का है क्या जी? कैसा लगा बताइए? खट्टा लग रहा है, अभी खून का टेस्ट भी आएगा, रुक जा। कैसा लगा? Let me sit, ये लंबा चलेगा। एक काम करो, दोनों आधे आधे से बांटो, खिलाओ। मैं पकड़ रही हूं।
खत्म कर। घोड़े नीचे गया हुआ, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इतना बुरा नहीं है ठीक है, मैं बहुत इस बात पे नाराज हूँ ना। नहीं नहीं बहुत अच्छा। अरे ओ इधर आओ इधर आओ। नाना पानी वानी छोड़ो, पीठ पे मुक्का मारो सारा अंदर चला जाएगा। मेरे तो लग गए। जोर से कैमरा मैन है क्या, यमदूत है तू मेरा। खिलाओ खिलाओ थोड़ा। अरे मुंह खोल बे ढंग से यार। अरे यार इसको इसको मंगनीस की आदत, तो टोपीस भी मोटा आएगा। डेढ़ घंटे का खून पसीना मेहनत लगा है। फालतू के एक्सप्रेशन दे छोटा साइज है। एक ही बार में आना चाहिए। ये इसको बोलते एक ही बार में घटक दे। ये तेरा मुंह छोटा है ना। सोफे पे गिरना नहीं चाहिए। कल तक तूने नहीं खिलाया विशाल को। अभी मेरे को अंदर क्या बोल रही थी, मेरे को नहीं करना, मेरे को नींद आ रही है। हाँ कैमरा मैन किसी और, ओ कैमरा मैन वापस आ। किसी और चीज की वजह से एनर्जी आई है, बता दो। देखो भाई दोस्तों को पार्टी मिलेगी 200 के, जल्दी जल्दी कर दो, सबको पार्टी देंगे ठीक है। कितनी मासूम लगती है ना ये, कितनी मासूम। आधे घंटे पहले से घोड़े बेच के सो रही थी, घोड़े गधे सारे जानवर बेच के। अभी दो बार नसे नाक के नीचे उंगली रख के चेक करना पड़ा, चल रही है कि बंद हो गई। ओहो हालत बुरी थी, इस तरह से सो रही। अभी देखो फिर मासूम सा चेहरा बन जाएगा। विशाल भी लाइक तुमको आज पता चला, मैं तो पहले दिन से कर रहा हूँ। वो कुछ भी बोलेंगे ना वो स्क्रीन के उस पार है, उनको पड़ेगी नहीं, तेरे को पड़ेगी। ये मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, जितना बोला कार्तिक ने बोला। तो हम मुझे बोलते हैं हमको पिटने की आदत है, हम पिटते रहते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे को मेरी है लग रहा है, चलो गरबा खेलने चलता है। चलो अभी गरबा अरबा चालू हो जाएगा ठीक है। अपन तो सारा गरबा अरबा करते नहीं, लेकिन ठीक है गरबा गरबा चालू होने वाला है। जय गरबी गुजरात। मैंने जो जेठालाल से सुना वही बोला। अच्छा चलो जय गरबी गुजरात। चलो अपन नवरात्रि मनाएंगे।